जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। 11:30 बज गई है और मैंने बोला था 12:15 के बाद तेजी है, ध्यान रखिएगा। आज 12:15 के बाद तेजी है और ये 2:40 तक तेजी चलेगी, ऐसा मेरा मानना है। आज 2:40 तक और हो सकता है 3:30 तक भी चले, लेकिन 2:40 तक तेजी चलनी चाहिए 12:15 के बाद। और आज आपको एक दिखा देता हूँ, कारण क्यों समझा रहा हूँ ऐसा। आप देखिए, बैंक निफ्टी 29,800 के नीचे चल ही नहीं पा रहा है, 5 मिनट से भी ज़्यादा नहीं चल पा रहा है। ये भले ही 530 के नीचे चल रहा है, तो अगर आपने शॉर्ट भी किया तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है। क्योंकि आज ये चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल 800 के नीचे नहीं चल रहा है, जो हमारी बैंक निफ्टी की रेंज थी। आपको दिखा देता हूँ प्रूफ, 5 मिनट का चार्ट खोल के दिखा देता हूँ। तो इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त बाइंग हो रही है। और जहाँ 30,165 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा, जो कल का लेवल बताया था, वहाँ 600-700 पॉइंट और बढ़ जाएगा बैंक निफ्टी 29,165 के ऊपर, अगर 15 मिनट चल गया तो। और नीचे 29,800 के नीचे 15 मिनट चलना ज़रूरी है, अगर मंदी आती है तो। तो ये देखिए 29,800 का लेवल है, एक सेकेंड, ये 29,800 देखिए, इसके नीचे चला ही नहीं, हाल 2 या 3 मिनट से ज़्यादा नहीं चला, 2 या 3 मिनट से। ये 29,800 का लेवल है, 29,800, 29,800 के नीचे बैंक निफ्टी हैज नेवर प्लेड मोर देन 5 मिनट्स। आप देख सकते हो सुबह से, ये सुबह एक बार डंडी बनाया था 5 मिनट के वाले कैंडल में, और 15 मिनट कंटिन्यू चलना चाहिए, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो निफ्टी जरूर चल चुका है, लेकिन मैं बोलता हूँ प्रॉफिट बुक कर लीजिए आज। आज मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक तो फ्राइडे है, वीकेंड आज, और फ्राइडे को बहुत सारा उलट फेर होता है, तो आपको नुकसान तो है ही नहीं। अगर आपने शॉर्ट भी किया तो एक बार बुक कर लीजिए। और 12:15 के बाद मुझे तेज़ी लग रही है, तो तेज़ी करना आपकी मूड, आपकी मर्जी है। और निफ्टी का भी देख लेते हैं, 11,530 के नीचे कितना देर चला कंटिन्यूस में। हाँ, ये चला भाई 15 मिनट के ज़्यादा, ये 15 मिनट से ज़्यादा चला है। लेकिन इसके साथ बैंक निफ्टी नहीं चल रहा 29,800 के नीचे, आप देख लीजिए। तो इसमें अगर आपने शॉर्ट भी किया तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, आपको अगर मंदी लग रही है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए एटलीस्ट। और आपको लगता है तो स्टॉप लॉस डाल लीजिए 540 का, 30 के नीचे शॉर्ट किया ना आपने, क्योंकि आज मुझे 12:15 के बाद तेज़ी लग रही है, और बड़ी तेज़ी लग रही है, थोड़ी छोटी मोटी भी नहीं। ये नहीं चल रहा है, आप देख लो 29,800 के नीचे बिल्कुल नहीं चल रहा है। लाइन टान के दिखा देता हूँ, ये 5 मिनट की कैंडल है। इसीलिए आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि कहीं कोई मिसगाइड नहीं हो जाए, मेरा एक भी फॉलोवर मिसगाइड नहीं होना चाहिए, कहीं से भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए, वन नॉट ए सिंगल फॉलोवर। देखिए आप, एक हल्की सी डंडी बनी, 5 मिनट की कैंडल है, इसलिए 2 मिनट से ज़्यादा नहीं टिका, 15 मिनट तो बहुत दूर की बात है, 15 मिनट तो। ये इसका मतलब ये है, जहाँ ये 29,130-165 को तोड़ेगा, ये वाला लेवल, यहाँ तोड़ने के बाद एक बड़ा ब्रेकआउट आएगा, मैंने कल समझाया था। तो मुझे तो यहीं से बाइंग करने की इच्छा है पर्सनली तो, लेकिन आपको मैं सिस्टमेटिकली जाने बोलूँगा, जैसे मैंने दिया, अगर 800 के नीचे 15 मिनट चलता है तो ज़रूर शॉर्ट कर दीजिए। निफ्टी चल चुका है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रिकवरी आएगी और 12:15 के बाद। चलिए देख लेते एक बार ताज़ा भाव, ये 524, इसीलिए ये देखिए 30 के नीचे ज़्यादा लंबा नहीं चल रहा है, आप खुद देख लीजिए। और ये 800 के नीचे जा ही नहीं रहा है, जो हमारा लेवल था कल का, देख लीजिए। तो ये समझाने के लिए, ये सीखिए ये सब चीज़ बहुत, और मैं नोटिस कर रहा हूँ आप लोग के लिए, ताकि आपको कहीं गलती नहीं हो। एक पैसा आपका लगेगा, मुझे चोट लगेगी, ये समझ लीजिए, एक पैसा भी आपका लगेगा तो ये प्रॉफिट बुक कर लीजिए, मेरी राय है। अगर आपको बाई नहीं भी करना है, और मैं पर्सनली बाई कर रहा हूँ दोनों, निफ्टी और बैंक निफ्टी।